दल की बैठक, सोनिया गांधी को नेता चुना गया, संसदीय दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने ये बहुत ही अहम प्रस्ताव रखा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष के संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को चुने जाने की बहुत बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सोनिया गांधी को नेता चुना गया है, पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने ये प्रस्ताव रखा है। संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी को चुना गया कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष खड़गे का ये प्रस्ताव है कि सोनिया गांधी को ही संसदीय दल का नेता चुना जाए। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है कि सोनिया गांधी को ही संसदीय दल का नेता चुना जाए। इस पूरे मामले को लेकर बैठक भी हुई है, सोनिया गांधी को नेता चुना गया है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी बहुत ही अहम बैठक रखी गई। एक तरफ जहां पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से संसदीय दल का नेता चुना गया, तो वहीं विपक्षी गठबंधन की तरफ से सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुने जाने की खबर सामने आ रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से शिवम प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवम, क्या कुछ जानकारी है? एक तरफ जहां पक्ष की तरफ से भी बैठक में नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की तरफ से सोनिया गांधी का प्रस्ताव सामने रखा गया। देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज दिल्ली में सेंट्रल हॉल, संसद के सेंट्रल हॉल में बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बार फिर सोनिया गांधी को नेता चुना गया है। इसी बैठक में राहुल गांधी से तमाम सदस्यों ने अपील की कि वो लोकसभा में नेता का पद संभाले, लेकिन राहुल गांधी ने अभी इस पर विचार करने की बात कही है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पार्लियामेंट में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में एक बार पुनः सोनिया गांधी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का नेता चुना गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी को चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है।